हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर आ रही है, नमस्ते भारत ब्रेकिंग। चीन से चल रहे तनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। बता दें आपको, भारत और चीन के बीच आज भी चुशुल में हो सकती है बैठक, जहां कल भी ब्रिगेडियर लेवल की बैठक हुई थी लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। हालांकि ये सीरीज ऑफ बैठक है जो पिछले कई दिनों से चल रही है। कल जो बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि बातचीत जो है वो जारी रहेगी। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की जो बातचीत है कल बेनतीजा रही। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, इससे पहले भी जब सीमा पर तनाव हुआ था तो इसी तरीके से बातचीत का दौर चला था लेकिन वो बेनतीजा ही रही बैठक, तो इस बार की बैठक से क्या कुछ उम्मीद की जाए? अब बिल्कुल प्रतिमा, जो अभी मीटिंग चल रही है, चाहे वो कल की थी या फिर आज की भी मीटिंग जो चल होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है कि एक और मीटिंग हो सकती है। इन मीटिंग से ऐसा लगता है कि कोई नतीजा ऐसा अब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि स्थिति जो है अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, एलईसी पर, खासतौर से पूर्वी लद्दाख में, वो बेहद तनावपूर्ण है और ऐसा लगता नहीं है कि अब वो सैन्य स्तर पर बातचीत से सुलझ पाएगी। क्योंकि जिस तरह से 29 और 30 अगस्त को की रात को जो कार्रवाई की है भारतीय सेना ने, क्योंकि चाइना की सेना चीन की सेना घुसने की कोशिश कर रही थी, तो उसके बाद से ऐसा लगता नहीं है कि अब दोनों सेनाएं पीछे हटने के लिए तैयार होंगी। नीरज, लगातार जो है दबाव बना हुआ है चीन के ऊपर। चीन ये भी कह रहा है कि भारतीय फौज उनकी सीमा में आ गई है और अब उसको पीछे हट जाना चाहिए। वस्तु स्थिति क्या है? भारत इस समय स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है और इसी का दबाव है चीन के ऊपर? बिल्कुल विकास, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी कोई लाइन नहीं है, एक बहुत बड़ा एरिया है, जो विड्थ इसकी बहुत ज्यादा है। और भारतीय सेना को जानकारी मिली थी कि 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना जो है घुसने की कोशिश कर रही है इन इलाकों में, खासतौर से जो चुशुल सेक्टर का जो इलाका है, स्पेंगुर गैप जो कि चीन का है और रेकिन जो पास है, वहां पर ऐसी जानकारी मिली थी। इसलिए भारतीय सेना ने खुद पहले जाकर वहां पर उन इलाकों को डोमिनेट कर लिया है। वो हाइट से बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, दर्रे हैं, वो वहां जाकर, जिससे कि पूरा चीन का जो इलाका, तिब्बत का जो इलाका है, वहां पूर्वी लद्दाख में स्पेंगुर गैप का, रेकिन का, उन सब पर एरियाज पर अब भारतीय सेना डोमिनेट कर रही है। स्ट्रेटेजिक जो बढ़त है भारतीय सेना को मिल गई है वो अभी स्थिति है। चीन का कहना है कि भारतीय सेना पीछे चली जाए लेकिन अब भारतीय सेना ऐसा लगता नहीं है कि पीछे हटेगी। सवाल ही नहीं होता नीरज, इन हालातों में तो अगर आप ऊंचाई की बढ़त बना लेते हैं तो आप समझ लीजिए आधी जंग आपने जीत ली। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि चीन पर आज भारत के अंदर, खासतौर पर दिल्ली के अंदर, क्या एक्शन होने वाला है, भारत सरकार की तरफ से क्या मीटिंग होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक कैसे रक्षा मंत्रालय के अंदर होने वाली है, ये जानकारी भी आगे आपसे